नमस्कार दोस्तों, हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए कुछ सरल से उपाय हैं। आज जानते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि भगवान ने जिस तरह से आपको बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्वस्थ रखते हैं अपने शरीर को तो भगवान का भी उसमें ही निवास होता है। यदि आपका स्वास्थ्य ही खराब रहेगा तो उसकी वजह से ना तो आप आराधना कर सकते हैं, ना ही भगवान को याद करने का समय मिल सकता है। कहते हुए तो सभी ने सुना होगा, भगवान का वहीं पर विराजमान होते हैं जहाँ पर आपका मन सच्चा हो और जहाँ पर आप ईमानदारी से कार्य करते हो। लेकिन यदि आप वहाँ पर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पर अपनी बेईमानी से काम करते हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपकी स्वास्थ्य भी खराब रहता है और लगातार स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपको कोई भी कार्य सही से नहीं हो पाता है। कि यदि हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो कौन से हैं ऐसे कार्य? हम सभी जानते हैं कि ऐसे बिजी शरीर में हमारे पास समय नहीं होता कि हम अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा भी ख्याल रख सकें, क्योंकि स्वास्थ्य की सोचने की तो चिंता ही नहीं होती, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। लेकिन पैसे किस लिए कमा रहे हैं ये उन्हें पता नहीं। यदि आपका ही स्वास्थ्य खराब रहेगा और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आप खुद ही कोई कार्य नहीं कर पाएंगे तो उससे आपको पैसे कमाने से क्या होगा? वह पैसे रखे के रखे ही रह जाएंगे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। उसका इस्तेमाल सिर्फ इतना होगा दवाई में और दवाई के बाद आपका जो भी इलाज चल रहा है उसमें, क्योंकि जब आप बीमार रहेंगे और लगातार बीमार रहने की वजह से आपका खर्चा दोगुना हो जाता है, जिससे कि आप जो भी कमा रहे हैं और जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वह तो नहीं हो पाता, सिर्फ दवाई का खर्चा ही निकल पाता है। जब भी आप सो रहे हैं तो सोते समय ध्यान दें कि आपका सर ना तो उत्तर में हो और ना पैर आपके दक्षिण में हो। यदि इस दिशा की तरफ आप सोते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब ही रहेगा, जिसकी वजह से आपको और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। आप सोते समय पूर्व या पश्चिम या फिर पूर्व दक्षिण दिशा भी चुन सकते हैं। उस दिशा में यदि आप सोते हैं तो उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लगातार लंबी बीमारी से अगर आप लड़ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी सोने की अवस्था क्या है। यदि आपकी सोने की अवस्था उत्तर और दक्षिण दिशा है तो आपका स्वास्थ्य पक्का ही उसी की वजह से ही खराब रहता है। तो आप ध्यान दें और जल्दी से आपकी सोने की व्यवस्था को बदलें। यदि आप पलंग की व्यवस्था को बदल देते हैं तो उससे आपका स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा। शयन कक्ष। शयन कक्ष आराम करने के लिए एक कमरा होता है जिसमें अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके शयन कक्ष में नकारात्मकता ज्यादा उत्पन्न है, जिसकी वजह से आपको नींद ना आने की या फिर अनिद्रा की परेशानी हो रही है। आप सो रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो यह उसी की वजह से ही परेशानी हो रही है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप शयन कक्ष में ऐसी कोई तस्वीर ना लगाएं जो नकारात्मकता को उत्पन्न करती हो। हम सभी जानते हैं, बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों, वह हमेशा टीवी देखने के शौकीन होते हैं और टीवी देखने के इतने शौकीन होते हैं कि यदि वह खाना भी खा रहे हों तो खाना भी टीवी के आगे जाकर ही खाते हैं और टीवी को ऑन कर देते हैं, खाने का पता नहीं होता और टीवी की तरफ अपने ध्यान को देखते रहते हैं। टीवी में इतने खो जाते हैं कि उन्हें खाने का कुछ भी पता नहीं रहता। खाना खा तो रहे हैं लेकिन कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं ये उन्हें पता नहीं होता। तो यदि आप ऐसे करते हैं तो आप इस कार्य को बिल्कुल ना करें। आप खाना खाते समय बिल्कुल भी टीवी ना देखें, क्योंकि खाना खाते समय अगर आपका पूरा ध्यान खाने के ऊपर होता है तो खाने का अपमान नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप अपने घर में कार्य कर रहे हैं तो उसको किस तरह से आपको करना है। यदि आप ध्यान देते हैं तो उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप अपने घर में सूर्य की तस्वीर या फिर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है। तुलसी का पौधा एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। यदि आपके घर में कोई भी परेशानी या फिर कोई भी बीमार होता है तो उसे औषधि के तौर पर हम तुलसी के पत्ते या फिर तुलसी के बीज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यदि आपके घर में तुलसी होगी तो आपको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने घर में अगर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो पॉजिटिव की स्थिति को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे आपके घर में हमेशा पॉजिटिव स्थिति बनी रहती है, हमेशा शांत माहौल रहता है, लड़ाई झगड़ा दूर रहता है। अक्सर देखा जाता है कि घर की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से करते हैं जिसमें आपके रसोई घर और शौचालय बिल्कुल पास में आ जाते हैं, तो वह नेगेटिव को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि शौचालय आपकी नकारात्मकता को उत्पन्न करता है और यदि रसोई उसके बराबर में हो तो वह रसोई में भी नकारात्मकता को फैला देता है, जिससे आपका माहौल नकारात्मकता में और भी ज्यादा बढ़ जाता है
और जिससे आपके घर का माहौल बिगड़ने पर आपके घर के सभी लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है। जब भी आप किचन से बाहर निकले तो उसके बाद आपको शौचालय नजर ना आए, उसके लिए आप अगर पर्दा लगा देते हैं तो वह आपकी नकारात्मकता को वहीं तक ही सीमित रखता है, आपके आस पास भी नहीं रहने देता। तो यदि आप नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोशिश करें कि इन चीजों के उपाय सरल हैं, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।